की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। दूसरा क्या निकलेगा यहाँ पे, वाटर जो फॉर्मूला में ही है। तीसरा क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो खाली आपको चेक करना है साल्ट कौन निकलेगा, बाकी जो मैंने बताया वो आपको जबानी याद रखना है। इसी तरह आप कोई भी मेटल कार्बोनेट ले सकते हो। सब अगर मैं H2SO4 लूंगा एसिड, एक्वस प्लस, सपोज अगर मैं यहाँ पे लूंगा मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, क्या निकलेगा, क्योंकि साल्ट तो निकलेगा, साल्ट मेटल का निकलेगा। और यहाँ पे जो इसका काउंटर आयन होता है, एसिड का जो काउंटर आयन होता है, H+2 फ्री रेडिकल का जो काउंटर आयन होता है, वो कौन है, MgCO3। एक साल्ट निकलेगा, वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। एरो ऊपर इंडिकेट करता है गैस, याद रखिए। तो ये मैंने रिएक्शन सिखाई यहाँ पे किसके साथ, एसिड प्लस मेटल कार्बन। अब अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट MHCO3, क्या निकलता है वहां पे, वहां पे भी साल्ट निकलता है, वाटर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सपोज मैं सोडियम बाइकार्बोनेट लूंगा NaHCO3, ये ना NaHCO3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको किसके साथ मिलाएंगे, HCl के साथ, क्या निकलेगा, एक तो साल्ट NaCl, दूसरा क्या वाटर, और क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब आपको ये डिटेक्ट करने के लिए कि क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है या और कोई गैस है, तो ये चेक करने के लिए हम इस गैस को पास करते हैं लाइम वाटर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में हम इसको पास करते हैं, किसको, शाबाश, एक्वस लिखेंगे। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करने के लिए, वेदर इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस और एनी अदर गैस, हम इसको किसमें पास करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस में इसको हम पास करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो जब भी हम इसको लाइम वाटर में पास करते हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो वहां पे बना, अगर इसने लाइम वाटर को मिल्की बनाया, मिल्की मतलब अगर वहां से कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट की शक्ल में निकला, तो हमें मान के चलना है कि ये गैस जो था ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही था। यहाँ पे ये आपको समझना है, इस गैस को डिटेक्ट करने के लिए अगर आफ्टर पासिंग दिस गैस थ्रू अ लाइम वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इफ देयर रिजल्ट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देन वी कैन से इट इज अ शाबाश कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या निकलता है, ये सॉलिड फॉर्म में निकलता है क्योंकि प्रेसिपिटेट, और निकलता है वहां पे वाटर। ये है टेस्ट फॉर दिस गैस, किस कहां हम इसको पास करते हैं, हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं। लाइम वाटर की फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। तो वहां पे क्या बनता है, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, और यही क्या होता है, यही चाक भी होता है, और यही क्या, मार्बल भी फिर होता है। तो ये चीजें आपको याद। इसके बाद अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे किसमें, शाबाश, अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे किसमें, लाइम वाटर में, उस टाइम क्या हो जाता है, उस टाइम एक सॉल्युबल सॉल्ट वहां पे बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम, अगर यहां पे याद रखिएगा, नोट डाउन, इफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पासड थ्रू, ये क्या बना था, जब हमने लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में,
इनसॉल्युबल इन वाटर, मगर इफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर देन ए सॉल्युबल सॉल्ट, उस टाइम क्या बनता है सॉल्युबल सॉल्ट, अभी क्या बना था इनसॉल्युबल सॉल्ट कैल्शियम कार्बन, देन ए सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट गेट्स फॉर्म, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे अभी यही रिएक्शन लिखनी है, यहाँ पे क्या लिखना है लिमिटेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अभी क्या हम लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मैं इसको क्या लिखेंगे एक्सेस में, क्या बन जाएगा CaHCO3 बन जाएगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है CaHCO3O2 प्लस क्या निकलेगा वाटर, तो जो यहाँ पे ये साल्ट बन गया ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल साल्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, इसी को हम क्या बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना कि कैसे रिएक्शन होती है। तो इसके बाद और एक चीज हम देखेंगे, अगर हम ये जो रिएक्शंस होती है, सपोज अगर किसी को एसिडिटी होती है, अगर कोई शख्स एसिडिटी का शिकार हो जाता है, तो ये मैंने आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉरी मेटल बाइकार्बोनेट मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन समझाई। अब इसके बाद अगर कोई ओवर ईटिंग की वजह से क्या हो जाता है, ओवर ईटिंग की वजह से उसमें एसिडिटी का शिकार हो जाता है, कोई ज्यादा खाता है फिर उसके स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, तो हम उसको उस टाइम एज इस एसिडिटी से नजात पाने के लिए हम उसको क्या देते हैं, हम उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बेसिक इन नेचर होते हैं, इन्हीं की सोल्यूशन फिर हम उनको देते हैं, ताकि चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे सकते हैं या कैल्शियम या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे सकते हैं, तो ये एसिडिक ये बेसिक होते हैं, तो उनकी बेसिसिटी को कम एसिडिटी को कम करने के लिए हम उनको एक बेस का बेस देते हैं, ताकि उस बेस की वजह से एसिडिक इफेक्ट कम हो जाएगा, और एसिड बेस का इफेक्ट कम करता है, ये न्यूट्रलाइज करते हैं इसके इफेक्ट, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया आपको जब कोई शिकार हो जाता है एसिडिटी का या बेसिसिटी का, तो उस टाइम हम अगर एसिडिटी का शिकार हो तो बेस इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत सारे बेसिस हैं हमारे पास जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एक तो मैंने बताया सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये ऐसे बेसिस है माइल्ड बेसिस है, इनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, या हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी देते हैं उस टाइम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं ब्रेक ऑफ मैग्नीशियम भी जिसको हम बोलते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, तो जो स्टमक के टेबलेट्स होते हैं उनमें यही सॉल्ट्स होते हैं, यही बेस में इंट्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ये एक सॉल्ट है हमारे बेसिक इन नेचर है, तो आपको इस चीज़ का याद रखना है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था शाबाश न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, जब एक एसिड किसके साथ बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है साल्ट प्लस वाटर, तो ये क्या होता है ये एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे हीट भी निकलती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये आपको यहाँ पे याद है, तो वो मैंने आपको समझाया ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको समझाया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको खाली यहाँ पे याद रखना है कि जो एसिड प्लस बेस है वो हमेशा एसिड बेस का इफेक्ट कम न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करता है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर एक्ट करते हैं, तो दोनों का इफेक्ट खत्म होकर एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है साल्ट प्लस वाटर, ये मैंने आपको पढ़ाया है, उसको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं,
वो बेसिक के नेचर होते हैं, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां से फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स ये क्या होते हैं, ये बेसिक इन नेचर होते हैं, ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी आता है बेसिक इन नेचर। जब इनको हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे क्या बन जाता है, वहां पे भी साल्ट और वाटर निकलता है, साल्ट प्लस वाटर और